नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। आज आचार्य जी बताएंगे कि सप्ताह में किस दिन कौन सा उपवास करें, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सप्ताह का हर दिन होता है मंगलकारी। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से वार अनुसार उपवास के लाभ। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो यदि आप अपनी कुंडली के गृह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता आपको सता रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है परिघ और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं लोग, वो शीतला अष्टमी के रूप में मना रहे हैं। आज बसियौरा भी पूजा जाता है, यानी आज रात में माँ शीतला की पूजा की जाएगी। जो भी भोग उनको अर्पित किया जाएगा, कल वह पूरे दिन बासी भोग ग्रहण किया जाएगा। इस कारण से आज की तिथि को और आज के इस पर्व को बसियौरा की पूजा के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं राशियों की, कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, कैसा होगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको नए कारोबार में प्रवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संतान की असफलता से मन को थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है, तो आज मन को निराश न करें, अपने संतान को एक बार फिर आप उसका उत्साहवर्धन करें कि दोबारा वो कॉम्पिटिशन में फिर से आए। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, शौकीन हैं, तो आज थोड़ा सा सोच समझ करके करें, क्योंकि आज परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही। चलिए आप जानते हैं वृष राशि वालों का कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अपने क्षेत्र में आज आपको संपूर्ण लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से आज दिन बहुत अच्छा है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरे रह सकती हैं, परंतु सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आसानी से इन सभी समस्याओं से उबर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन यदि आपने कोई यात्रा प्लान कर रखी है, तो यात्रा के लिहाज से आज का दिन ठीक नहीं है, यात्रा मत करिए। चलिए पंडित जी, अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक जीवन में कुछ नया और बड़ा बदलाव भी संभव है, तो उसके लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए और अपनी दिनचर्या को नियमित करके कार्य करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचे, यानी पार्टनरशिप में कोई भी काम आप आज मत प्लान करिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए इस लिहाज से ठीक नहीं है। और अब बात करेंगे पंडित जी से कर्क राशि वालों की, कि आज उनके लिए कैसा दिन रहने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कुछ नए सामाजिक लोगों से परिचय हो सकता है। ये जो नया सामाजिक परिचय होगा,
ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ज्यादा सहायक रहने वाला है। आपको साझेदारी समझदारी से काम लेना चाहिए, आज बहुत ही सोच समझ करके काम करिए, लेकिन लोगों से मिलने जुलने में आज कोई संकोच मत करिए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। संपत्ति या उसके अलावा कहीं अन्यथा आपने निवेश की कोई प्लानिंग कर रखी है तो आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उससे आज आप बचिए। प्रभारी है सिंह राशि वालों की, उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, चलिए बात करते हैं पंडित जी से। जिस सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। आज की दिनचर्या में सेहत का ख्याल आज आपको रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोइए, धीरज का साथ मत छोड़िए। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की, क्या खास है उनके लिए आज के दिन में। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नवीन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है, तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ शेयर्स बेचते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा यानी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। मांसाहार के प्रयोग से आज की तिथि में आपको बचना चाहिए। ले बात करेंगे कुछ और राशियों की, लेकिन इस वक्त हमारी एक कॉलर जुड़ी हुई है पिंकी बनारस से। पंडित जी वो जानना चाहती हैं आपसे अपना भविष्य। जी पिंकी बोलिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार पंडित जी, हम दो सवाल करना चाहते हैं। एक मेरी छोटी बहन है, उसका बस है 8497। जी मतलब एक बज के 55 मिनट दोपहर। जी हाई स्कूल का एग्जाम दिए, क्या उसमें पास हो जाएगी और क्या वो मांगलिक नहीं है। जी और मुझे इनका आप जन्म स्थान भी बता दीजिए। बनारस। जी ठीक है। देखिए जहाँ तक इनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपने प्रश्न किया है कि क्लास 10th में अपीयर कर रही हैं, तो पढ़ाई के लिए तो परिस्थितियाँ अच्छी बनती हैं, लेकिन जो शुक्र की दशा है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में, ध्यान एकाग्रता को बना करके रखने में इनको बाधा आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों मित्रों का संग साथ इनके लिए वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी हो सकता है, इनको उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या आपकी बहन मांगलिक है, तो आपकी बहन ना तो लग्न से और ना ही चंद्र से, दो तरीके से मंगल दोष देखा जाता है, दोनों ही माध्यम से आपकी बहन मांगलिक नहीं है। तो इस संशय को, दुविधा को मन से निकाल दीजिए कि आपकी बहन की कुंडली जो है मांगलिक है। ये तो पिंकी थी जिनका भविष्य है उनकी बहन के बारे में पंडित जी ने बताया। एक और हमारी कॉलर जुड़ी हुई है सीमा बनारस से, जानते हैं उनसे कि वो क्या जानना चाहती है पंडित जी से। जी सीमा अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च जी 1978 जी, सुबह के 4 बजे जी, बिहार भागलपुर जी। पंडित जी मुझे ये पूछना है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है क्या है, यदि काल सर्प योग है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी पूजा कैसे करवानी है। जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। ये जो बृहस्पति की महादशा है ये आपके लिए काफी कष्टकारी स्थिति बना रही है। इसको जो है मार्केश हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, तो ये मार्केश का प्रभाव आपके लिए बन रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष को दूर करने के लिए बहुत सरल सरल से उपाय हैं, बहुत आसान से उपाय हैं, और ये कुछ विशेष तिथियों में होते हैं। या तो ये प्रदोष की तिथि में करें, किसी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं अगर प्रदोष का आप इंतज़ार नहीं कर सकते, या हर महीने में जो शिवरात्रि आती है आप उस पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। आपको करना यह है कि नाग नागिन का आप एक जोड़ा ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके, क्योंकि आप बनारस में रहते हैं, या तो आप काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्पित कर दें या महामृत्युंजय मंदिर में अर्पित कर दें। उसके अलावा किसी भी शिव मंदिर में आप इसको कर सकते हैं, और किसी योग्य आचार्य से बात करके, संपर्क करके इसकी जो वैदिक शांति की प्रक्रिया है कालसर्प की, आप उसको भी पूरी तरीके से कर सकते हैं। ये बताए उपाय पंडित जी ने सीमा के लिए। हमारी एक और दर्शक जुड़ी है सुनीता देहरादून से। सुनीता अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी इसकी जन्म तिथि है 7 मार्च 1979 जी,
तो पंडित जी रात को 11:21 पर जन्म स्थान है इसका मेरठ उत्तर प्रदेश जी। तो पंडित जी इसका ये अभी बाहर गया था एमबीए करने के लिए लंदन गया था, वहाँ से आने के बाद इसका ना तो अभी यहाँ पे कुछ नौकरी लगी है और ना ही बाहर जाना चाहता है ना ही वहाँ का वीजा लगा है जी। अभी शादी हुई पंडित जी उसकी, तो शादी में भी मतलब आपस में पति पत्नी का तालमेल इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए जी। और आज पंडित जी एक जॉब के लिए जा रहे हैं दिल्ली, तो क्या इसको सफलता मिलेगी और या इसके ऊपर कोई ग्रह खराब चल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी इसकी मैंने रुद्राभिषेक पूजा भी करवाई थी, पंडित जी ने बताया था जी। तो उससे अब घर में थोड़ा सा ये है कि शांत वातावरण है, लेकिन वो जो फल मिलना चाहिए पंडित जी वो नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल देखिए, इनकी कुंडली में शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है। शनि और मंगल का ये जो संयोग है इसको बहुत ही विघ्नकारी और बहुत ही विनाशकारी संयोग मानते हैं। एक बहुत ही सरल आम भाषा में यदि आपको उदाहरण दूं तो शनि जो है वो पेट्रोलियम है। आप देखते हैं कि शनि का आधिपत्य हम लोग पेट्रोलियम में बताते हैं। मंगल देव जो है वह अग्निकारक है। आग और पेट्रोल का यदि समावेश होता है या पेट्रोलियम पदार्थ का समावेश होता है तो बहुत बड़े ब्लास्ट होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में या उसके आसपास। तो वही स्थिति इनके सामने बनी हुई है। किसी भी काम में ये हाथ डालते हैं वह काम तुरंत ही खराब हो जाता होगा, ऐसे संयोग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। आपने रुद्राभिषेक कराया वो हर मामले में कल्याणकारी है, लेकिन जब तक आप इनकी कुंडली में पर्टिकुलर ग्रह की शांति ना करें तब तक किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते। रुद्राभिषेक से पूरे परिवार का कल्याण संभव है, लेकिन उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। उसका आपको आगे आने वाले भविष्य में भी बहुत अच्छा प्रतिफल मिलता रहेगा, लेकिन किसी जातक की व्यक्तिगत समस्या के निवारण के लिए आपको तत्काल उसके ग्रहों का, जो ग्रह उनके अशुभ चल रहे हैं उनकी आपको शांति कर लेनी चाहिए। तो आपको अपने बेटे के लिए शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब सारे में लगातार पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, अपनी गृह दशा के बारे में जान सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनका निवारण पंडित जी से आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कुछ राशियों की, और अब जान लेते हैं तुला राशि का हाल की आज कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव ये है कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर के यदि आप काम करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। समय में थोड़ा सा आपको असमंजस हो सकता है, असमंजस की स्थिति में समय बीतने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दुविधा और असमंजस में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को याद करें, उनकी प्रार्थना करें, ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने काम पे लग जाएं, सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। आज आपके लिए एक सुझाव और है कि आज यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो उसको आप खाली हाथ विदा न करें, कुछ भेंट कुछ उपहार अवश्य दें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की कि आज का दिन क्या कुछ खास है उनके लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिजनों में यानी परिवार में आपके प्रति असंतोष की स्थिति आ सकती है। आपसे जो उम्मीदें थी, जो डिमांड्स थी, शायद आप कहीं ना कहीं उन्हें पूरा नहीं कर पाए। परिवार का कोई बड़ा अहम फैसला आज आपके पक्ष में भी रह सकता है, तो आज आपको अपने तरफ से प्रयास ये करना चाहिए कि आप लोगों को संतुष्ट कर सकें। जो उनकी मूल आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो उन्होंने आपसे डिमांड रखी थी, आप उसे पूरा कर दें, तब कहीं जा करके आपके निर्णय का समर्थन आपके परिवार के लोग आज आपके लिए करेंगे। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको वाहन तेज गति में बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, तो तेज गति में वाहन का प्रयोग न करें। बात करेंगे धनु राशि वालों की, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय आज आपको बचाना चाहिए व्यर्थ के कामों से, और जो उचित कार्य हैं उनमें आपको आज समय देना चाहिए। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप आज किसी को रुपए पैसे उधार न दें। चलिए बढ़ते आगे, और अब बात करेंगे मकर राशि वालों की, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके लिए आज के दिन में।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आप अपने शत्रु विरोधियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग तो आपको कदापि नहीं करना चाहिए, इनसे आप बचिए। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, क्या कुछ खास रहने वाला है पंडित जी आज के लिए उनके लिए आज के दिन में। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के प्रति आज आपको थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, यानी काम में इंटरेस्ट कम होगा। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों को आज अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी बन रही है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा क्रोध करने से आप बचिए। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, क्या रहने वाला है उनके लिए आज के दिन में। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और उसके साथ साथ धन लाभ की भी स्थिति आज आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से दूर करना है। ये थी 12 राशियों का हाल, क्या कुछ खास रहने वाला है आज के लिए आज के दिन में उनके लिए। पंडित जी ने 12 राशियों के बारे में बताया, क्या करें क्या ना करें उन तमाम बातों पर आपको ध्यान देना है। और अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वार के अनुसार यानी दिन के अनुसार कौन से व्रत किस दिन करना चाहिए, यानी व्रत उपवास आप कब किस तरीके से करें। सप्ताह का हर दिन जो है वो बेहद मंगलकारी होता है और आप अगर हर दिन के हिसाब से अपने लिए कौन सा वार शुभ है और कौन सा वार अशुभ है, अगर आप इसको जान करके व्रत करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उपवास के द्वारा हम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं यदि सही तरीके से किया जाए तो। इसी के साथ ये रोग व तमाम हर प्रकार की व्याधियों को दूर करता है। हमारे दिनचर्या में, जीवन में जो एक व्रतिक्रम हो जाता है, एक अनियमितता आ जाती है, उसको भी दूर कर सकता है और बहुत ही सहज तरीके से आपको सफलता दिलाता है, क्योंकि आप चुस्त दुरुस्त होते हैं, आप चार्ज्ड होते हैं, आप हर तरीके से शुभ ऊर्जा से संयुक्त होते हैं। आपके कर्म के अनुसार सभी को सप्ताह में एक दिन तो कम से कम व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सप्ताह का वो एक दिन कौन सा है जो आपके लिए सूट करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। सप्ताह का हर दिन स्वयं में मंगलकारी होता है, तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार के दिन उन लोगों को उपवास रखना चाहिए जिनका स्वभाव बहुत ज्यादा उग्र है, जिनको बार बार क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो सोमवार का दिन जो है वो चंद्रमा का होता है, चंद्रदेव के लिए यदि आप व्रत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो क्रोध की अग्नि है वह शांत होती है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की अवस्था इस तरह की होती है कि हमारे शरीर पर उसका शांतिदायक प्रभाव पड़ता है। तो सोमवार का व्रत खासतौर पर उनको करना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और जिनको स्वभाव से क्रोध बहुत आता है। अब बात करते हैं मंगलवार की। हर कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप बार बार चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना का सामना करते हैं, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगलवार का व्रत आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं बुधवार की। जिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, कमजोर मस्तिष्क वाले, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति जो हैं, जिनको कुछ दैवीय ज्ञान चाहिए, आप कुछ शास्त्रों का ज्ञान करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत उन लोगों के लिए भी बहुत शुभ होता है जिनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, जिनके लिए व्यापार बहुत अच्छा ना चल रहा हो, क्योंकि बुध को विद्या और बुद्धि का कारक, स्वास्थ्य का कारक भी मानते हैं। तो बुधवार का व्रत करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरुवार के दिन किन लोगों को व्रत करना चाहिए। जिन लोगों की संकीर्ण मानसिकता होती है, जिनको कहते हैं कि किसी को, अक्सर लोग कहते हैं कि इनकी बहुत छोटी मानसिकता है, उथली मानसिकता है या छिछली मानसिकता है, ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत करना बहुत अच्छा लाभ देता है। गुरुवार के व्रत करने से आपको जो है वो धर्म कर्म की प्राप्ति होती है, आपको धन की प्राप्ति होती है। व्यापार में यदि कहीं कोई बाधा आ रही है, आपके ज्ञान में, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत जो है वो गुरु ग्रह बृहस्पति के साथ साथ भगवान विष्णु से भी संबंधित है, जो हर प्रकार की शुभता देने वाले देवता है। अब बात कर लेते हैं शुक्रवार।
शुक्रवार जिन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पर जिनको शारीरिक कमजोरी होती है, प्रमेह रोग होता है, उनको शुक्रवार के दिन का व्रत करना चाहिए। जिनको संतान संबंधी कोई समस्या है, शुक्राणुओं की कमी है, उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार का जो व्रत है वो आपके तेज सौर्य और सौंदर्य वर्धक व्रत माना जाता है, आपके सौंदर्य में वृद्धि करता है, आपके तेज में वृद्धि करता है। और जिन लोगों को सांसारिक चीजों की आवश्यकता होती है, यानी जिनको जीवन की सभी बड़ी चीजें चाहिए, जीवन के सुख चाहिए, जिनके भौतिक सुख चाहिए, लग्जरी ऑफ लाइफ जिनको चाहिए, उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। जिनकी कुंडली में शुक्र प्रभावित हो उनको शुक्रवार का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि शनिवार का व्रत आप किन परिस्थितियों में करें। समस्त दुखों एवं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन का उपवास रखना किसी भी जातक के लिए बहुत शुभ होता है। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक ना हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि अशुभ भावों का स्वामी हो, या शनि की साढ़े साती और ढैया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको शनिवार का व्रत करना बहुत अच्छा लाभ देता है। अब बात कर लेते हैं रविवार की। रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव को समर्पित है। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे तेज के लिए, अपने समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, राजनीतिक सफलता प्राप्ति के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है, इंक्रीमेंट रुका हुआ है, आपके तेज में कहीं ना कहीं से कमी आ रही है, परिवार में आपको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता, आत्मा से मन से आप दुखी रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव के लिए आपको रविवार का व्रत करना चाहिए। आपको ध्यान ये भी रखना है कि केवल एक दिन के उपवास के लिए पूर्व में किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक दिन का उपवास कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, और ऐसा उपवास रखने से दूसरे दिन, अगले दिन आपको करना यह है कि सुबह मौसमी, संतरा, गाजर और लौकी के रस या सब्जियों के सूप के साथ आप यदि उपवास तोड़ते हैं, दूध के साथ उपवास तोड़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उपवास में प्रयास ये करना चाहिए कि तला चना, इस तरीके की सारी चीजों को आप अवॉइड कर सके। जितना आप सात्विक भोजन करेंगे, जितना आप फलाहार करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नींबू पानी पी करके या शहद और नींबू का रस पी करके अगर आप व्रत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। इस तरीके से यदि आप व्रत करते हैं सप्ताह में एक दिन, तो आपको हर प्रकार की शुभता मिलती है। तो आपके सितारे में हमने बात की 12 राशियों की, 7 दिनों की, किस दिन आपको व्रत करना चाहिए, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है। हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में पंडित जी से जाना। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।